सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। कश्मीर श्रीनगर में हमेशा आतंकवादी हमले होते रहते हैं। वहां पर रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दो तरह के लोग हैं दोस्तों। एक तो हमेशा भारत से कश्मीर को श्रीनगर को अलग करने की मांग करते हैं, दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। एक और टाइप के लोग हैं जो कहते हैं हमें बिल्कुल आज़ाद, ना भारत और ना पाकिस्तान। अब इन्हीं सब बवाल में, हौच पौच में हो ये रहा है। हालांकि मुसलमानों पर भी जुल्म होता है और बेइंतहा होता है, ऐसे में उन जुल्म के ख़िलाफ़ दुश्मन देश कश्मीरियों को और श्रीनगर के रहने वाले मुसलमानों को भड़काता है। और श्रीनगर और कश्मीर एक ऐसी जगह है भारत की जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। और ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म होता है। कश्मीरी पंडितों का इतिहास है और जेन्युइनली उन पर जुल्म हुआ है। उसके अलावा तब से लेकर अब तक भले ही मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो और पूरे भारत में ही मुसलमानों का क्या हाल है आप जानते हैं। बहरहाल, हमने कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा खामोशी बनाए रखी है और मुँह बंद किया है, तो कश्मीर के लोगों की हाय ऐसी लगी है कि पूरे भारत का हाल आज आप देख रहे हैं। कल जो धारा 144 श्रीनगर और कश्मीर में लगती थी, कल जो सिर्फ नेटवर्क जाम कश्मीर का कर दिया जाता था, आज जगह जगह बीजेपी कर देती है। जहां भी किसान बैठता है, जहां भी मुसलमान धरने पर बैठता है, सीधा नेटवर्क जाम कर दिया जाता है। ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपनी आंखों से आप खुद देख चुके हैं और इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, एक जाने माने केमिस्ट कश्मीरी पंडित को श्रीनगर में गोली मारकर आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया। ये बहुत दुखद बात है दोस्तों। मैं ऐसे इस्लाम को नहीं जानता, मैं ऐसे इस्लाम को इस्लाम नहीं मानता, और वो इस्लाम ही नहीं है जो बेगुनाह को कत्ल कर दे, जो बेगुनाह को ज़बरदस्ती गोली मार दे और ऐसे ही किसी मासूम को गोली मारकर वो सोचें कि हम मुसलमान हैं। दोस्तों, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ये बात हकीकत है। लेकिन आप ये देखिए कि कश्मीर में किस तरह से लोगों के अंदर जहर डाला गया है कि आपके सामने ऐसी हत्याएं सामने आती रहती हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, ये सिर्फ जुल्म की बात है। आपको याद दिला दूं कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ भी बहुत जुल्म होता है। जी हाँ दोस्तों, फर्जी एनकाउंटर तो बहुत सारे हैं, में सबसे फेमस है शोपियान एनकाउंटर, जी हाँ, जिसमें 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। और इसकी जांच में वो कमिश्नर, वो पुलिस वाला और वो 3-4 लोग अरेस्ट भी हुए। उन्होंने माना है कि 20 लाख रुपए की लालच में हमने फर्जी एनकाउंटर किया था। दोस्तों, अब ये एक गुस्से वाली बात है, लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा नेगेटिव वे में निकल रहा है, ये खतरनाक बात है। और क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्या देश के लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है? ये भी एक जांच का विषय है। बहरहाल, मेन बात यह है कि एक मासूम की, कश्मीरी मासूम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उसकी बेटी का हाल देखिए। हालांकि बेटी ने पूरे हिंदुस्तानियों का दिल जीता है, उसके जज्बे को हमारा सलाम। जी हाँ दोस्तों, पहले कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उनकी बेटी ने जबरदस्त बात कही। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल, माय फादर स्टार्टेड फ्रॉम अ बाइसिकल, माय ब्रदर ही इज अ फेमस डायबिटोलॉजिस्ट, माय मदर शी सिट्स ऑन द शॉप अ फीमेल लेडी, दैट इज व्हाट मक्खनलाल बिंद्रू मेड अस, अ कश्मीरी पंडित, ही विल नेवर डाई, यू कैन जस्ट किल द बॉडी, एंड आई बीइंग अ हिंदू आई हैव रेड कुरान, एंड कुरान सेज कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट, एंड मिस्टर हु शॉट माय फादर डेड व्हाइल ही वाज वर्किंग, इफ यू हैव द गट्स एंड करेज, कम इन फ्रंट एंड हैव अ डिबेट, हैव एन फेस टू फेस डिबेट विद अस, देन वी विल सी व्हाट यू आर। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा, एहें करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ, ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी, आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर।
मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू कश्मीरी पंडित की बेटी की आवाज इस वक्त पूरे देश में गूंज रही है। जाहिर सी बात है वो कायर हैं जो सीधा गोली मारकर एक निहत्ते मासूम को मारकर चले गए और पीछे परिवार उसका अब परेशान हो रहा है। दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि भारत में पहले से ही नफरत है, मेहरबानी करके नफरत को ख़त्म कीजिए और मोहब्बत को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए, रिपोर्ट को शेयर करके दुआ ज़रूर कीजिएगा कि जल्द से जल्द हमारे भारत में अमन शांति हो। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।